लेकिन आज इस देश का मीडिया, बिना दिखाओ मीडिया, जो नहीं चाहता कि हम लोग राजनीति में आगे बढ़े, वो उसको इस तरह से पेश कर रहा है आप लोगों के बीच में कि जैसे अभी उसने सारी राजनीति को बदल देना है। क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी का पैक्ट है, आप निश्चित समझ लें कि कांग्रेस बीजेपी नहीं चाहते कि हम लोग आगे बढ़े। तो मशीनों में अगर हेरा फेरी है तो वो दोनों आपस में मिलजुल के कर लेना चाहते हैं सब कुछ। उसका एग्जाम्पल बहन जी ने हरियाणा के अंदर दलित और पिछड़ों का गठबंधन बनाया, लेकिन सम्मानित साथियों, जो पिछड़ों के गठबंधन में भी आरएसएस बीजेपी ने उस परिवार के अंदर फूट डालकर वहां विभिक्षण का काम करने का काम किया, और आज जिस गठबंधन में हम लोग वहां थे वो चौथे नंबर पर वहां लाने का था। तो बड़ी सोच समझ के हमें राजनीति चलनी पड़ेगी, रणनीति अपनी बनानी पड़ेगी। और सम्मानित साथियों, अगर बहन जी को पीएम बनाना है तो हमें त्याग करना पड़ेगा, समय का भी त्याग करना पड़ेगा, पैसे का भी त्याग करना पड़ेगा, और अपने घर परिवार को छोड़कर इन 3 महीने हमें बहुत बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तब हम कोई रिजल्ट दे पाएंगे। मैं ऐसी आशा उम्मीद आप लोगों से करता हूं कि हम बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, अपने दल को बचाने के लिए, अपने दल को इस देश के अंदर नंबर एक पर लाने के लिए हम तन मन धन से काम करेंगे। ऐसी आशा उम्मीद आप लोगों से करते हुए मैं आपसे रिजल्ट लेता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज़।